नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की जनपद पंचायत महेश्वर में स्थित श्री विष्णु श्री हॉस्पिटल की, जहां पर ऑपरेशन के दौरान आशा पाटीदार नामक एक महिला की मौत हो गई थी, जिनके परिवार ने इस हॉस्पिटल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ पैसों से मतलब है, उनकी नजरों में इस इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे अनेक गंभीर आरोप श्री विष्णु श्री हॉस्पिटल महेश्वर पर मृतका के परिजनों ने लगाए। आइए आपको दिखाते हैं मृतका के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में क्या चर्चा की। क्या समस्या थी आपकी मम्मी को? जी, उन्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। तो कहाँ पर जाँच करवाई थी आपने इसकी? इसकी जाँच हमने एक बार मंडेश्वर में कराई थी और उसके बाद उन्हें महेश्वर श्री विष्णु हॉस्पिटल में भी लेके गए थे। क्या हुआ विष्णु हॉस्पिटल में? वहाँ पर विष्णु हॉस्पिटल में उन्हें उनकी जांच कराने के बाद उन्हें हमें ये कहा कि आप इनका ऑपरेशन करा लीजिए। इसके लिए हम राजी भी हुए। उसके बाद हमने उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें सबमिट उनके लिए एडमिट किया। कब भर्ती किया था उनको हॉस्पिटल? उनको हमने भर्ती किया था 18 तारीख को भर्ती किया था उनको। ऑपरेशन के लिए कब बोला था आपको? 20 तारीख के लिए बोला था। कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसमें? आशीष शर्मा। ये जो घटना हुई है हॉस्पिटल में विष्णु श्री में, ये कौन रिलेशन में आपके? ये मेरी मदर इन लॉ है। क्या है मेरी, क्या समस्या हुई थी वहाँ पर? इनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो इसकी अपने 15 तारीख को जांच करवाई थी मंडलेश्वर में। ओपनिंग लिया था वर्षा मैडम का, है ना, राजेश कुमार यहाँ पे है मंडलेश्वर में। तो सोनोग्राफी करवाई, उन्होंने बताया कि अपेंडिक्स है, तो आप इसकी ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने दूसरा ऑप्शन फिर आशीष, क्या नाम है, आशीष राठौड़, उनको दिखाया तो उन्होंने रेफ़र किया महेश्वर हॉस्पिटल में, श्री विष्णु हॉस्पिटल महेश्वर, ठीक है। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर से बात हुई कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन करता है, तो उन्होंने रेफ़र किया इंदौर सेचल अपोलो, डॉक्टर है आशीष शर्मा, अक्षय शर्मा डॉक्टर है वहाँ पे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने टाइम दिया कि आप एडमिट हो जाओ शाम को, तो 1 से 2 रोज़ के बाद इसका ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कुछ जांचें करवाई हॉस्पिटल में अपेंडिक्स में सूजन का, उन्होंने बोला कि हल्का सा सूजन है, तो उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया वहाँ पे, बॉटल वगैरह लगाई उन्होंने। 18-19 तारीख को वहाँ एडमिट हो गए थे हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। 2 रोज़ के बाद उन्होंने ऑपरेशन का बोला, उन्होंने 12 बजे उन्होंने एडमिट अंदर ओटी में ले गए वो, ठीक है। ओटी में ले जाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें वापस बुलाया आईसीयू में, सिग्नेचर करवाए हमसे। तो मैंने पूछा उनसे कि ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर क्यों करवा रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे कि ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर क्यों करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक फॉर्मल एक जो सीजर का वो रहता है पेशेंट की ओर से, तो ठीक है। उसके 10 मिनट के बाद पापा फिर ज़बरदस्ती अंदर गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये ज़बरदस्ती अंदर गए तो इन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, फिर हमको बुलाया अंदर ओटी में। जब तक इन्होंने लछेटा साहब को भी बुला लिया था, दूसरे डॉक्टर को भी बुला लिया था, अंदर पेशेंट की हालत गंभीर हो गई थी उस टाइम जब हमें पता चला। फिर उसके बाद ये समस्या ये हो गई कि हमको बताया कि हमने एनेस्थीसिया दिया उस समय, तो बेहोशी की हालत में चले गए ये पेशेंट, और 5 से 10 मिनट के लिए इनका ब्रेन डेड हो गया था, मतलब ये ब्रेन काम करना बंद कर दिया था इनका। उसके बाद क्या रेफर किया था? बाद इन्होंने दवाई दी, बट इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमसे कुछ यहाँ हो नहीं पाएगा, आपको इंदौर ले जाना पड़ेगा, इनका सिटी स्कैन या MRI करवानी पड़ेगी, तो इनको रेफर इंदौर रेफर करना पड़ेगा। क्या हुआ फिर उसमें? तो इंदौर उस समय पल्स नॉर्मल चल रही थी कहाँ पे हॉस्पिटल में, जैसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया उसी समय उनकी पल्स बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चल रहा था उनका, मशीन के ऊपर लगा हुआ था बस, वहीं पर उनकी हालत इतनी डाउन हो गई थी। तो इंदौर ले जाते समय फिर क्या रास्ते में ये दम तोड़ दिया। क्या नाम लिखते हैं आप? दीपक पाटीदार। एनेस्थीसिया, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। दिया उन्होंने एनेस्थीसिया, किसने दिया हमें नहीं पता, उनकी मैनेजमेंट टीम है उनसे वो तक हमको नहीं बता पाए किसने एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया दिया कौन से बॉडी पार्ट में? दिया हाथ में, दिया स्पाइन में, दिया कैसा दिया, कितना डोज दिया, कोई इसका कोई इलाज कोई कुछ नहीं दिया,
देखो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, फाइल में क्या है, जो फाइल उनने हमको दी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो सबसे शुरुआत में ली जाती है, सबसे अंत में क्या लिया जाता है अगर उनसे पेशेंट नहीं जम रहा है, ट्रांसफर समरी, बीच का क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, ना उन्होंने हमें दिया। अगर कोई रिकॉर्ड उन्होंने भी रखा है, या तो उन्होंने निकाल लिया जो हमको दिखाना नहीं चाहते, क्यों नहीं दिखाना चाहते, इसका स्वार्थ उनके पास इसका स्वार्थ है, वो लोग स्वार्थी लोग हैं, ताकि उन पे हम कोई एक्शन ना ले पाए। ट्रांसफर समरी कोई भी पढ़ के, कोई भी पढ़ा अनपढ़ आदमी भी पढ़ के समझ के, कोई सुनेगा भी तो उसको भी समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है। इन्होंने लिखा है ट्रांसफर टू हायर फॉर फर्दर मैनेजमेंट, ये क्या होता है फर्दर मैनेजमेंट, पेशेंट अगला पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, अगला डॉक्टर क्या देखेगा सबसे पहले, लिखा लिखित में जो है वो देखेगा, लिखित में क्या पड़ेगा कि फर्दर ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करेगा, वो फाइल में देखेगा क्या हुआ पेशेंट का, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई आइडिया नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा है इसमें, पूरी की पूरी गलती मैनेजमेंट की है। कौन से डॉक्टर थे जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेशन ऐसा जाएगा, उसका कुछ हमें बताया, देखिए हम लोग गाँव के लोग है, क्या बताएंगे हमसे, ठीक है समझते हैं, हमें नहीं बता सकते, वो बोल के नहीं बता सकते, हमें नहीं समझा सकते, पर उनकी जिम्मेदारी है, सब कुछ लिखे हैं यहाँ पे, कोई समझदार आदमी पढ़े इसमें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका ये इनकी तरफ से ये होना चाहिए, नहीं लिखा उन्होंने, क्या डॉक्टर है देखो, हम जवाब भी नहीं दे पा रहे आपको कि किसने सर्जरी करी, कौन है, क्या ऑपरेशन हुआ, कितना ऑपरेशन किस हद तक पहुंचा, ये तक नहीं पता उन्होंने, उनने उनकी जिम्मेदारी से भागे हो इसलिए उन्होंने रेफर कर दिया, हम हमारे इससे एम्बुलेंस हमने बुलाई, हॉस्पिटल गए, आधे रास्ते में मृत्यु हुई, ठीक है ये सब हुआ है। तो जो भी गलती मैं ठहराना चाहूंगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ठहराना चाहूंगा, ये हॉस्पिटल नया है, इन लोग को एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस है भी, और एक क्या समस्या थी आपकी पत्नी को, अपेंडिक्स की तकलीफ थी, कहाँ पर जांच करवाई थी इसके लिए आपने, जांच यहाँ मंडलेश्वर में करवाई थी, तो मंडलेश्वर में किसके यहाँ पर, ये अपने नहीं, ये शर्मा जी के हैं, शर्मा जी के, हाँ। उसके बाद इसको किस डॉक्टर से आपने चेक करवाया जांच, आशीष राठौड़ से, आशीष राठौड़ कौन से हॉस्पिटल में, ये उनको ऐसा उनके घर पे ही बताया था, उनके घर पे बताया, हाँ। था उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ट्रीटमेंट लिखा और बोला कि तुम महेश्वर एडमिट हो जाओ विष्णु श्री में, तो कब एडमिट हुए थे आप, 18 तारीख को एडमिट हो गए थे शाम में, एडमिट होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने सलाइन वगैरह सब चालू कर दी और 2 रोज तक सलाइन चलती रही, और बोले कि 20 तारीख में CH अपोलो से डॉक्टर साहब आएंगे और वो उनका ऑपरेशन करेंगे, मतलब 20 तारीख को ऑपरेशन करने के लिए बोला, हाँ 20 तारीख को ऑपरेशन का, क्या हुआ उस दौरान, फिर उस दौरान इन्होंने अपन को 12 बजे का समय दिया और 12 बजे ये पेशेंट को ले गए अंदर, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 20-25 मिनट का काम है बोले ये, तब उसमें इन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे लगा दिए, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वो जो भी नर्स वहाँ थी उनको मैं धक्का दे के मैं ऑपरेशन थिएटर में घुस गया कि इतना समय क्यों लगा, तो फिर डॉक्टर साहब वगैरह सब आ गए, अरे बोल हम तुमको बुलाने ही वाले थे, और फिर मेरे को उन्होंने ये बताया कि ये एनेस्थीसिया दिया जिसके बाद से बोले इनकी ऑक्सीजन डाउन हो रही, तो मेरे को ये तुम्हारा विषय है कि तुमने एनेस्थीसिया कैसा दिया, क्यों दिया, कि जरूरी है कि नहीं है, बोले हमने वो लक्षणा साहब को भी बुलाया है, उनसे भी ओपनिंग ली है कि तो उनका भी यही कहना है कि यार नहीं तो आप इंदौर चले जाओ, इंदौर रेफर का बोला था, हाँ इंदौर रेफर का बोला, जबकि मैं पेशेंट से मैं खुद गया, मैंने हाथ लगाया, मैंने देखा पेशेंट को, उनमें कोई जान प्राण नहीं थी, इंदौर रेफर किया उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर, इंदौर लेके गए तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया, तो इसका पूरा जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ है इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, इसके जिम्मेदार वही विष्णुश्री हॉस्पिटल को, विष्णुश्री हॉस्पिटल में कौन कौन मेन जिम्मेदार हैं, अब ये तो नहीं आइडिया है, ये तो वो मैनेजमेंट जाने, क्या नाम लिखते हैं आप, मैं हरिराम पाटीदार,